Hey guys, welcome to my channel. How are you all? It's been ages. मैंने vlog बनाया है. So आज जो है वो रमज़ान बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और इंशाल्लाह कल जो है वो ईद होगी. So I thought why not I should take you guys along with me. I'm about to do some Eid cleaning and some preparation for for Eid tomorrow, inshallah. So let's come along with me and clean with me for Eid. मैं सबसे पहले जो है वो अपना कमरा सही कर रही हूँ और मैं आपको एक टिप बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि हम लोग हमेशा अपने मैट्रेसेस को इग्नोर कर देते हैं, उसको क्लीन नहीं करते. तो एक बड़ी आसान ही टिप है कि अगर आप मैट्रेस के लाइक ऊपर जो है लाइक उसकी बेडशीट शीट वगैरह हटा के उसके ऊपर अगर हम बेकिंग सोडा जो है वो डालें और छन्नी के साथ पूरे मैट्रेस के ऊपर और उसको जो है वो 30 मिनट से 1 आवर तक अगर उसको वैसे ही रहने दें और उसके बाद जो है उसको वैक्यूम कर लें तो जो है वो जो मैट्रेस होता है उसके अंदर से जितने भी पसीने की बदबू या और भी जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो चले जाते हैं और मैट्रेस जो है बिल्कुल अच्छी तरह से जो है वो साफ़ हो जाता है और फ्रेश हो जाता है. और हर महीने के बाद जो है वो मैट्रेस को ज़रूर उसकी जगह जो है बदलनी चाहिए ताकि जो है वो हर तरफ से मैट्रेस जो है वो इक्वल रहे. जैसे जैसे जो है मैं चीज़ें सही करती जा रही हूँ और समेट रही हूँ और साथ साथ जो है मैं डस्टिंग भी करती जाऊँगी ताकि एक साथ ही कमरा जो है वो क्लीन हो जाए. सो ये मेरी अम्मी अब्बू की तस्वीर है. ये मेरे बेड के आगे जो है वो 2 ऑटोमन रखे हुए हैं और उसके पीछे हमेशा जो अलीशा कुछ ना कुछ गिरा देती है. तो आई एम जस्ट गोना क्लीन दिस प्लेस वेरी वेल एंड आई एम गोना रिमूव ऑल द स्टफ जो इसने पीछे फेंका हुआ है. एंड मेरी वीडियो में बड़े मुझसे कमेंट करके पूछे हैं लोगों ने कि ये मैंने कहाँ से लिए थे. ये जो दोनों ऑटोमन है ये मैंने विल्किंसन से लिए थे एंड आई डोंट रिमेंबर द प्राइस. और काफ़ी अच्छे हैं ये एंड काफ़ी स्टडी है और इसके अंदर काफ़ी स्टोरेज भी है एंड यू कैन सिट डाउन ऑन इट. ऊपर सारा जो है वो क्लीन करने के बाद नाउ आई एम गोना क्लीन डाउनस्टेयर्स. और डाउनस्टेयर्स भी सारा जो है वो मैंने वैक्यूम किया, डस्टिंग किया और उसके बाद जो है मैं उसको मॉप करूँगी. अभी जो है मैं स्पाइडर वेब्स जो है वो बस वॉल के ऊपर देख रही हूँ, अगर कहीं है तो मैं उनको रिमूव कर दूँ. एंड अमीलिया लीज़ा को काफ़ी शौक़ था कि हम बलून जो है उनसे डेकोरेट करें ईद पे. तो मैं उनको अभी तो वो स्कूल गए हुए बट मैं उनके स्कूल से आने से पहले बलून से जो है वो डेकोरेट करूँगी उनके लिए.
आई वॉन्ट कि मुझे ऐसे बलून्स मिल जाते जिनके ऊपर ईद मुबारक लिखा होता, बट आई कुडंट फाइंड एनी बलून्स. सो मैंने प्लेन वाले बलून्स ही लेके और फिर ख़ुद से जो है वो उनके ऊपर ईद मुबारक लिख दिया ताकि वो ईद मुबारक वाली ईद वाली वाइब्स आए. So for Eid we did invite few our friends. So उनके बच्चे भी हैं साथ में. तो ये जो है मैंने कुछ gifts लिए बच्चों को ईदी देने के लिए. अमीलिया लीज़ा के लिए जो है ये मैंने dolls लिए और अलीशा के लिए fishing game लिए और बाकी बच्चों के लिए जो है वो मैंने sweets लिए. So I'm gonna pack these gifts for kids. और ये मैं जो है इनको wrap कर लूँगी और फिर मैं बच्चों को ये ईद वाले दिन जो है वो दूंगी. और ये जो परफ्यूम है ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे अमेरिका से. सो वी गॉट दिस फॉर माय मदर इन लॉ और ये उनको देंगे हम ईद पे गिफ्ट. इफ़ यू गाइस वंडर के विच परफ्यूम इज़ इट, इट्स एस्टे लॉडर एंड ही गॉट इट फ्रॉम अमेरिका आई थिंक ड्यूटी फ्री शॉप, आई डोंट नो विच वन. So this is the fun part of the day. Girls जो थी वो स्कूल से घर आ गई थी after giving them bath. I'm gonna put them मेहंदी, उनके मेहंदी में लगा रही हूँ. So पहले मैंने अमीलिया को लगा दी थी और अभी जो है मैं अलीज़ा को लगा रही हूँ और अलीज़ा मुझे जो है वो बता रही है कि उसको कैसा डिज़ाइन लगाना है. सो आई एम सॉरी कि अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी वेर्ड लग रही हो. मैं मेरा जो है वो नोज़ काफ़ी ब्लॉक है और मैं काफ़ी डाउन हूँ हे फीवर की वजह से. So I'm just quickly gonna put mehndi on both my girls and finish my work. अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जॉइन माय यूट्यूब फैमिली एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट एंड स्टे कनेक्टेड एंड वॉच माय वीडियोस. आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू. बाय.